हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। और करवा चौथ से नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग के 6 बजे हैं, 6:30, और मैं हो चुकी हूँ फिर से रेडी। और मैंने पहना है ये अपना बनाया हुआ शरारा वाला सूट जो आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हो। नहाकर आ गई हूँ और अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ फटाफट से मम्मी के पास, क्योंकि आज है उनके घर पे हवन, गृह प्रवेश का हवन। छोटी सी पूजा रखी है, सिर्फ घर के लोग हैं, तो फटाफट से। और हस्बैंड जी तो चले भी गए हैं रेडी होकर, बस मैं रह गई हूँ। ये पिटारा ऐसे ही फैला हुआ है और जाते हैं अभी, दिखाते हैं आप लोगों को जो जो होगा, जैसे जैसे होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को शूट करूंगी और शायद आज व्लॉग भी नहीं करूंगी, क्योंकि कल एडिट नहीं कर पाई तो आज डाला भी नहीं जाएगा। तो आपको वैसे शॉर्ट वीडियो से अपडेट दे दूंगी मैं, फिर उसके बाद मेरे व्लॉग्स आएंगे। और इसमें टीका लगाओ, पहले कलश है ना, जो आगे आओ, तुम आगे आओगे पहले। सो गाइज, यहाँ पर मैं सब जगह जल का छीटा कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ चूल्हा पूजन कराने के लिए। इससे पहले देहरी पे पूजन कराया था, भैया भाभी कलश भर कर लाए थे, मंदिर से आता है पंडित जी ने बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा कराई है, और यहाँ पर वो अब चूल्हा पूजन करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये, क्योंकि नए घर में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं रखते हैं, जैसे चूल्हा वगैरह हो गया, या जो भी चीज़ थी, बहुत कुछ नया था, कुछ सामान पुराने थे हमारे, तो वही सब लाए हैं। भैया भाभी यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरा छोटा भाई है और छोटी भाभी हैं। तो अभी किचन में ज़्यादा काम नहीं कराया, बस ये सोचा था कि त्यौहार से पहले ना शिफ्टिंग हो जाए घर में, अपने एंटर हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। भगवान सबको अपना अपना नया घर दे और सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, इनके लिए भी, दोनों भाई और भाभियों के लिए भी, नई इस नए घर में नई सारी ढेर सारी खुशियाँ और शुभकामनाएँ हो। तो मैं यहाँ पर परी है और ये बच्चे खेल रहे हैं, तो ये इधर इनका ड्राइंग रूम बना है, तो काफ़ी बड़ा है, खुला है, मतलब छोटा सा घर है। खैर, घर छोटा हो बड़ा हो गाइज, अपना होना चाहिए और सबको भगवान अपना अपना घर दे। बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम के बाद मेरे भाइयों को मतलब ये मिला है। ऐसा नहीं था कि पहले इनके पास घर नहीं था, था लेकिन फ्लोर था जो ऊंचाई पर था, और उसमें दिक्कत ये थी कि पैरों में, घुटनों में बड़े भाई के और भाभी के तकलीफ रहने लग गई थी ना, तो इसी वजह से ये लोग रेंट पर शिफ्ट हो गए थे। रेंट पे शिफ्ट होने के बाद 2-2.5 साल ये लोग रेंट पे रहे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से, कान्हा जी कृपा से और इनके माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी हेल्प से इनको अपना एक घर खुद का मिल गया है। खैर गाइज, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, जिन लोगों के पास माँ बाप हैं और सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने माँ बाप की बहुत वैल्यू करनी चाहिए। हो सकता है उनसे कभी कोई गलती भी होती हो, लेकिन अगर माँ बाप आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज़ गुस्से में कह भी देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसे इग्नोर करके, ये सोचकर कि मतलब वो जो भी कह रहे हैं, हो सकता है उनके नज़रिए से वो सही है, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं गाइस, जो अपने ही बो बेटा की खुशियां छीन लेते हैं और आगे बढ़ाना तो दूर, उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुएँ ऐसी भी होती हैं जो अच्छे माँ बाप होने के बावजूद भी रिस्पेक्ट नहीं देती, और कुछ बहुएँ ऐसी होती हैं जो कभी ससुराल में अपना ही नहीं जाती। खैर, यहाँ पर पूजन हो गया है और ये पतिदेव जी बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये है हमारा, मतलब मेरा मायका दिल्ली में, तो अब हो गए हैं नीचे सब एकत्र। कुछ ही लोग बुलाए थे, ज़्यादा नहीं बुलाए थे, कुछ ही क्या, ये मतलब घर के ही थे, जो मेरी दादी है और मेरी सिस्टर यहीं पे रहती है, बिल्कुल बगल में है वो, तो इसीलिए। और ये है नीचे का फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, और बच्चे और बस हम लोग थे और कोई भी नहीं था। और मतलब ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, क्योंकि बहुत अर्जेंट में ये पूजा हुई थी, बहुत जल्दी जल्दी हम सब ने ये प्लान किया था। कुलदेव का ध्यानम
हवन पूजन संकल्प कर्मां करते छोड़िए, आज का जो दिन है उनके नाम का ये संकल्प है। बोल दिया और नमो गणपति गणपति नमो नमो देवरा लो, ये लो उनके हाथ से लेता होगा पूरी करेंगे। लो आप सभी बोल लो, लो जिसको जो चढ़ाना चाहते हाथ में रख सकते हो। यहाँ पे भेंट देने की बात आती है, जिसको जो चढ़ाना चाहते हैं ये भी चढ़ेगा। ओम गणेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुदीयकेतुभूषिताय गौरीकृताय प्रभात नमो नमस्ते। कन्या पूजा समस्त आवाही देवी नाम देवता नाम प्रिय प्रवेश कार्य सिद्ध्यर्थम आदि देवता गुरु इष्ट करता पुष्टि करता मंगल करता सुख शांति करता धन वृद्धि करता मंगल करता आयु करता धन वृद्धि करता स्वास्थ्य लाभ करता वर्णो भव ये करने वाले यही है। सब निमित्त मात्र है, भगवान ने जो कराया जो कर रहे हैं सब यही इसी कृपा से हो रहा है। अभी यहाँ चढ़ता है इनके पास हिंदी के पास ये शालिग्राम लड्डू को पास भगवान विष्णु को प्रिय है और सबको नहीं चढ़ती, वहां से चढ़ के प्रसाद में पड़ती है। पहले यहाँ आती है पेड़ से उतर डायरेक्ट यहाँ नहीं आती, तुम लोग डायरेक्ट मिला देते ना, पहले दौड़ो हाथ जोड़ दो और वहां से ले आओ इनके चरण में लड्डू को, फिर वहां से उठाओ प्रसाद सब प्रसाद घर पर आ गई हूँ मैं, चेंज कर लिया है और थकान भी हो रही है, भाइयों का घर शिफ्ट भी हो गया है, धीरे धीरे टाइम तो लगता है शिफ्ट करने में सामान पर देख लो इसकी नोटंकी एडजस्ट करने में, लेकिन खैर ठीक है। अच्छा है त्योहार से पहले अपने घर में चले जाए तो माता रानी सबको अपना अपना घर दे, सबके सर पे छत हो। और अभी ना थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ कैसे करूँ ढंग से प्रॉपर, मतलब प्रोफेशनली तो शूट नहीं हो पा रहा, जिसने जितना शूट किया सबने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स शूट करी थी मेरे ब्लॉग की, तो वो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे ना बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग में। और अहोई अष्टमी भी आ रहा है तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है।
तो कल मैं जाऊंगी मार्केट मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी शायद अहोई तक यहीं रहेंगी, या अगर जाएंगी तो वो अपनी तैयारी यहीं से करके लेकर जाएंगी, तो साथ में मैं भी शॉपिंग कर लूँगी और अवि को उनके पास छोड़ दूँगी। तो अभी मैं चेंज करके बैठी हूँ, जस्ट कि रात है और मैं ऐसे ही शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर सो जाती हूँ। मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद है, बहुत लूज टी शर्ट मैं पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को रोकती मैं यहीं पे, फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, त्यौहार आ रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और छोटी छोटी चीज़ों को मन से लगाने की बजाय बड़ी बड़ी खुशियाँ घर में लाने की कोशिश करिए। खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।